गाइस कैसे हो। और सुबह का टाइम है, मैं ना तैयार हो गई है। देख लो मैं अभी नहाई नहीं हूँ, ये बिलपत्र चढ़ा के नहा के आ गई और अब ससुराल भी जा रही है अपने। तो वहाँ पे इनकी पैकिंग हो चुकी है। इधर ये मक्का लेके आया था ना, तो मैंने थोड़ी मीना को दे दी और वो ठीक रखे। मेरे को पहले तो अभी खावा मैं एक सामान ओ ये क्या छुट्टी में सो करना गाड़ी से भी गाड़ी से है किसने खाई सो गई। एक बड़ी दर्दी हो, छोटी दर्दी हो चप्पल खाई की बोतल है पढ़ रहे बाद है। हाँ इसको क्या बोलते बताओ, चाहिए आप बताओ इसको क्या बोलते, चाहिए आप बताओ क्या है, गंगा है इसको क्या बोलते है, क्या बोलते इसको आप बताओ क्या बोलते हैं। मैं जानता नहीं हूँ, आप जानते हैं, आपने बोला ना अभी क्या बोलते इसको, गंगा 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 बोलते है इसको। छोटो ये क्या है, गंगा ए, गंगा नहीं है, गंगा नहीं है गाइस, इसको क्या बोलते हैं, गंगा सुहान इसको गंगा बता रही है। बेटा इसको बोलते हैं मक्का, क्या बोलते हैं इसको, मक्का मक्का। इसको कैसे खाते हैं, इसको यहाँ से ऐसे छीनते हैं, फिर इसको चूल्हे में सेकते हैं और फिर सिक जाते हैं, उसके बाद में खाते हैं, ठीक है। और मम्मी ये? ये भी मक्का है, गंगा नहीं है, गंगा गंगा नहीं होता है, है? गंगा बारे मना कर दिया था क्योंकि घी की थोड़ी शॉर्टेज आ रही है, तो मैंने बोला तो लेके आया, लेकिन वो ले आया क्योंकि मेरे पास में ना इतना सा घी है ये, वैसे वो पनीर बनाने वाला है, मैंने मना किया था मत लेके आना, लेकिन पता नहीं उनको खाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा होगा शायद, तो इस वजह से वो लेके आ गई। गंगा हमें तो तेल की वाली पनीर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तेल वाली पनीर तो हमने आज तक नहीं खाई है, जो बिहार शादी में होता है ना वो पनीर भी मुझे तो बहुत बेकार लगता है खाने में, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो मुझे तो घर वाला पनीर अच्छा लगता है जो घी में बनाते हैं वो वाला। तो भाई शाम का टाइम हो गया तो जल्दी जल्दी मैं काम कर लेती हूँ, तो बातें करने का लेट आएंगे सारी, पापा फिर लड़ेंगे मेरे से कि इतना लेट हो गए, क्योंकि सब्जी बॉय बनाएंगे, मसाला मैं तैयार करूँगी, उसके बाद मैं रोटी बनाऊंगी, तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी, 7:30 बज चुके हैं, 8 या 9 करीब 9 बजे, 1 घंटा लगेगा पनीर की सब्जी। पनीर की सब्जी बनाते हुए आज स्वानी के पापा की ड्यूटी लग गई है। यहाँ पर मैंने टमाटर पीस लिया है ये, और इधर ये मसाला मैंने तैयार कर दिया यहाँ पे, और यहाँ क्या है, यहाँ पे है लहसुन अदरक और काली मिर्च प्याज और हरी मिर्च, ये इसमें ऐड किया, देखो हमारे पनीर का लुक थोड़ा, और हमारी पनीर आधे हद तक बन चुकी है, मतलब आधी आधी प्रोग्रेस पे पहुंच चुकी है पूरी, 10 मिनट और बस फिर बन जाएगी सच में, फिर खा सकते हैं, तो आटा लगा लूं मैं। पापा 10 मिनट लगेंगे पनीर बनने में, कम से कम ये मान लो आधा 1 घंटा तो हो गया होगा भाई, 1 घंटा ही हो गया होगा, तो मैं देखती हूँ टाइम, 8 बजे लगे थे, 9 बजे गए, 1 घंटा हो जाएगा पनीर बनने में, उसके बाद में डालेंगे यहाँ पे पनीर, अभी पनीर ये इसका कलर, मेरे बेटा का कलर बहुत अच्छा है ऑरेंज कलर, बहुत ही ब्यूटीफुल कलर,
चलाओ जाओ दोस्त मुझे नहीं आता यार पापा आता चलो जाओ। गाइस फाइनली इंतजार खत्म हुआ, सब्जी बन गई और बहुत तेज वाली भूख लग रही है। 9:30 हो चुका है, इतनी तेज भूख लग रही है। सुहानी क्या कोरी रोटी खा रही है दोस्तों, क्योंकि पनीर में ऑलरेडी बहुत भी डाल देते हैं तेल बिल्कुल। सुहानी बोल रही है मेरी रोटी को फोटो खींच, तो पनीर खा रहे तो बहुत तेज वाली भूख लग रही है। इंतजार बिल्कुल नहीं हो रहा, आप लोग आना है तो आप लोग आ सकते हो बिल्कुल, बेशक आप पनीर खा सकते हो। बहुत अच्छी पनीर, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन पता नहीं नमक वमक कैसा है, कहीं ठीक ही ना हो तो देखते हैं टेस्ट करके क्या सब्जी का हालात है। चलो हटो बेटा, कौन जीतेगा गेम में? गेम में कौन जीतने वाला है? मैं। सच में? तो डन, रेस चालू। देखते हैं सुहानी में से और रुचि में से कौन ज्यादा दूध जल्दी पीता है, तो इन दोनों में रेस होने वाली है, प्रतियोगिता चल रही है। तो देखते हैं जिसने ज्यादा पहले जल्दी दूध पिएगा उसको बहुत ही अच्छा वाला शाबाशी मिलेगा। जाओ और फिर उसको एक नाम भी मिलेगा, जिसने पहले दूध फिनिश किया उसको राजा बेटा बोला जाएगा, और जिसने दूध नहीं मतलब वो बाद में दूध फिनिश करेगा उसे गधा बेटा बोला जाएगा। तो देखते हैं सुहानी राजा बेटा बनता है या फिर गधा बेटा बनता है। ओके छोटू, राजा बेटा बनोगे या गधा बेटा? गधा बेटा बनेगा छोटू। अच्छा, और राजा बेटा बनना चाह रहे हो ना, तो दूध जल्दी फिनिश करो। ये छूट गया, चलो स्टार्ट करो गेम, जल्दी करो, तीन साल कर दिया जल्दी शुरू कर। कौन खत्म करता है? मैं भी ले रहा हूँ मेरा दूध, जल्दी से पियो, तीनों में से कौन खत्म करेगा दूध पहले, ये करो। पहलवान शाबाश, शाबाश पहलवान, अपने लक्ष्य पे ध्यान दो, लक्ष्य पे ध्यान दो, लक्ष्य पे ध्यान दो अपने पे, अपने टारगेट पे ध्यान दे दो। कौन राजकुमार बनने चाह रहा है? कौन राजकुमार बेटा बनना का? कौन राजकुमार बेटा बनेगा? कौन राजकुमार बेटा बनता है? कौन गधा बेटा बनेगा? कौन राजकुमार बनेगा? जल्दी जाओ, मुझे लग रहा है छोटू तो नहीं बन पाएगा। छोटू बन सकता है बेटा, जल्दी पीजो, दीदी पी गया। राजकुमार जल्दी पियो, दोनों ने एक साथ फिनिश किया। अरे वो दीदी तो पी गया, जल्दी पियो आप, हार जाए वो, हार जल्दी। तो गाइस फाइनली गेम में देखा जा रहा है कि छोटो और सुहानी दोनों एक साथ जीत गई है, तो दोनों ही राजकुमार बेटा है हमारे, दोनों ही राजकुमार है, दोनों ही प्यारे बेटा है हमारे, दोनों ही बहुत फुर्तीले बेटा है, दोनों ने एक साथ दूध पिया है। थैंक यू सुहानी, दोनों जीत गए हम लोग और दोनों मुंह साफ करके आओ। और गाइस मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वैसे भी आजकल है ना आप लोगों का सपोर्ट बहुत कम होता जा रहा है, तो प्लीज़ फिर से मुझे सपोर्ट करो और मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग लाती रहूँगी। हाँ यह है कि रेगुलर ब्लॉग मेरे नहीं आ रहे हैं क्योंकि एडिटिंग वगैरह करने में थोड़ी दिक्कत होती है, मेरी आँखों में भी दर्द रहता है, इस वजह से मैं एडिटिंग